हमारी बॉडी के 40 ट्रिलियन सेल्स में हर समय कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस चल रही होती है, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड मच मोर। एंड इन सारी प्रोसेसेस में हमारे सेल्स डेली ढेर सारा टॉक्सिक वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के कमाल के फिल्टरेशन सिस्टम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेट्स सी हाउ दिस ब्यूटिफुल फिल्टरेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। हमारे सेल्स कुछ कुछ एक फैक्ट्री की तरह है। इनमें हर समय हजारों डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती हैं। एंड जिस तरह से फैक्ट्रीज बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, उसी तरह से हमारे सेल्स भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये सारा वेस्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाता है। बट ये वेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए इसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि गैशियस वेस्ट जैसे CO2 को तो हमारी बॉडी लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देती है, बट CO2 के अलावा भी हमारे सेल्स बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं जो लंग से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए हमारी बॉडी के पास एक कटिंग एज फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इस वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेट्स सी हाउ दिस फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी में दो फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम किडनीज बोलते हैं। ये किडनीज हमारे एब्डोमिनल रीजन में बैकबोन के साइड में प्रेजेंट होती हैं। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही आयोटा एब्डोमेन में आके दोनों किडनीज को एक एक ब्रांच दे देती है। एंड किडनीज में एंटर करने के बाद ये ब्रांचेस बहुत छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली कैपिलरीज फॉर्म कर लेती हैं। अब यहाँ से मैजिक की शुरुआत होती है। हमारी किडनीज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, यानी नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। जिस तरह से हमारी लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से किडनीज में नेफ्रॉन्स हैं। आयोटा की ब्रांच से बन रही कैपिलरीज नेफ्रॉन के कप शेप हेड में जाके क्लस्टर बना लेती हैं। नेफ्रॉन के इस कप शेप हेड को हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं एंड इन कैपिलरीज के गुच्छे को ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड वीना कावा के थ्रू वापस हार्ट तक पहुंच जाती हैं। पाजी वो सब तो ठीक है, पर ये फिल्ट्रेशन आखिर होती कैसे है? अरे भाई थंडरक बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन कैपिलरीज से ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, जिससे इसमें प्रेजेंट काफ़ी प्लाज्मा इन होल्स के थ्रू फिल्टर हो गए नेफ्रॉन की ट्यूब्स में पहुंच जाता है एंड बाकी का अनफिल्टर्ड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। मतलब जो ब्लड आयोटा से किडनी के पास आ रहा था, उस ब्लड के प्लाज्मा का कुछ पार्ट फिल्टर होके नेफ्रॉन की ट्यूब्स तक पहुंच गया एंड बाकी का ब्लड वापस हार्ट के पास पहुंच गया। ओके, तो जो ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर आया है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया के साथ साथ अभी भी बहुत सी काम की चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड कुछ सॉल्ट्स। बट हाँ, इस फिल्टरेट में कोई भी सेल्स नहीं होते, क्योंकि वो कैपिलरी के होल से बाहर नहीं आ पाते। तो अब जैसे जैसे ये फिल्टरेट इन नेफ्रॉन्स की ट्यूब में आगे पहुँचता है, इसमें से सारी काम की चीज़ें जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एंड उसके बाद में जो पानी, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्ट्स का सॉल्यूशन बचता है, उसे हमारी किडनीज यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देती हैं, जहां से ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्यूटीफुल। और जी ये बताओ, अगर मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ तो मुझे बार बार सुसुक जाना पड़ता है? अरे यार, अगर तू ज़्यादा पानी पी लेगा तो तेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अब किडनीज इस फिल्टरेट में से कम पानी एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे ज़्यादा यूरिन बनेगा। अब भाई तेरे को समझ? अरे मुगली कहाँ चला गया? पाजी वो तो वॉशरूम चला गया। अरे क्या करूँ मैं तुम दोनों का। खैर, यू नो कैफीन वाली चीज़ें लेने से भी किडनी से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। आपने नोटिस किया ही होगा कि ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से बार बार सुसु जाना पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि किडनीज नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के साथ साथ बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस भी मेंटेन करती हैं। तो अब समझ आई आप लोगों को किडनीज की इम्पोर्टेंस?
अब सोचो अगर हमारी किडनीज अच्छे से काम ना करें तो क्या होगा? पाजी फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही मोगली, बहुत से डिजीज में ऐसा होता भी है कि किडनीज अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, एंड ऐसी सिचुएशन में बहुत बार डॉक्टर्स डायलिसिस का यूज़ करते हैं। डायलिसिस की मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि हम पेशेंट की आर्टरी में एक पाइप डाल के उसको एक डायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। इस डायलिसिस मशीन के अंदर ब्लड एक पाइप्स के नेटवर्क से फ्लो करता है। ये पाइप्स एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, एंड इन पाइप्स के बाहर एक डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लड जैसी ही होती है, एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो जब हमारा ब्लड इस पाइप के नेटवर्क से फ्लो करता है तो उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसेंट्रेशन वाले एरिया में चला जाता है, एंड उसके बाद इस ब्लड को वेन में पहुंचा दिया जाता है। ब्यूटिफुल राइट? बट दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी सोल्यूशन, एंड अगर किसी पेशेंट की किडनीज इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती हैं तो समटाइम्स डॉक्टर्स हैव टू डू अ किडनी ट्रांसप्लांट। चलो इसी के साथ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस खत्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 तो सिंपली प्लांट की लीव से डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है, एंड बाकी वेस्ट को निकालने के लिए प्लांट के पास कोई एक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता। सम ऑफ द वेस्ट इन द प्लांट कैन बी रिमूव्ड बाय प्लांट शेडिंग ऑफ इट्स लीव्स एंड प्रोड्यूसिंग गम्स एंड रेजन्स। एंड फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस खत्म होता है। जस्ट सो यू नो दिस एंटायर प्लेलिस्ट टुक मोर देन 120 आवर्स टू बी मेड, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज then please share it with your friends and subscribe to our channel. Bye bye.